ये इतना आलू कम डाल दो, डाल दो उसमें, पहले सब में डाल दो, फिर डाल दूंगा जिसमें कम दिखे। और हमारा देश स्वस्थता की ओर आगे बढ़ रहा है। हर देशों की अपेक्षा हमारा देश बहुत सेफ्टी है, बहुत सुरक्षित है। अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से और अपने सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसे ही आज और कल का दिन और अपने घरों में व्यतीत करो, नहीं निकलना घर के बाहर, बस अपने जीवन में इतना ही संयम को पालन करें। अभी हमें घर से बाहर नहीं निकलना, तो हमें अपने निज घर की याद हमेशा बनी रहे और सब लोग स्वस्थ रहें। मेरा मंगलमय आशीर्वाद है आप लोग अपने जीवन में आज और कल बहुत अच्छी प्रार्थनाएं करो भगवान से, और इतना ही भावना हो कि सब जीवों का कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। 31 तारीख के बाद का क्या हर्ष होगा वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज सभी को मंगल आशीष। ओम नमः। आप सबके सहयोग से ये देखिए कार्य चल रहा है, यहाँ पे पैकेट बनाए जा रहे हैं। ये एक भिगोना बन के चावल यहाँ पे तैयार है और एक भिगोना पुलाव अंदर तैयार हो चुका है। कम से कम ये 700 पैकेट का है। हम लोग जो है, जो भी जिन लोगों को मिल नहीं पा रहा है खाने के लिए, जो लोग परेशान हैं उनको बांटा जा रहा है। कम से कम ये 700 पैकेट के आसपास हैं। और सभी का धन्यवाद जिसने भी इसमें कंट्रीब्यूट करा है, बहुत सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी युवा मंडल चंद्र प्रभु युवा जैन मंडल की तरफ से ये सब सबका सहयोग, ये सब बैठे हैं, सब कर रहे हैं, सब ने अपना कंट्रीब्यूट कराया है, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा। इसमें मैं भी हूँ। ये देखिए, आप लोगों के सबके सहयोग से, सबके आशीर्वाद से सबको खाना मिल रहा है। हमारी कोशिश यही है कि हम सब जितने भी कर सकते हैं, सबकी कोशिश, सबकी हेल्प, खाना पीना उतना करना चाहते हैं। सब गरीब लोगों को, जिसको खाना नहीं मिल पा रहा है, सबको दिया जा रहा है आप लोगों के आशीर्वाद से। सबका साथ, सबका साथ। कॉलेजी फोन कर नहीं सकें। Thank you.
ऋषभनाथ भगवान हमारे युगादिश जग पालन हारे, जीवन जीने की कलाएं जन जन को इनने बतलाएं। रहा प्रभु का एक ही नारा, मानो था वह प्राण से प्यारा, सुनो सुनाते हम वह तुमको जिसे सुनाया प्रभु ने हमको। कृषि करो या ऋषि बनो तुम, कृषि करो या ऋषि बनो तुम, दया धर्म को पास रखो तुम, अगर संत नहीं बन पाते तो किसान बनकर जीना सीखो। अगर संत नहीं बन पाते तो किसान बनकर जीना सीखो। किंतु आज के भारतवासी कृषि कार्य को कहते बासी, खेती करने में हिंसा है, ऐसी सबकी ही मनसा है। किंतु सुनो तुम मैं बतलाता किसान का जीवन क्या होता, किंतु सुनो तुम मैं बतलाता किसान का जीवन क्या होता। किसान भारी भोला भाला, नहीं जानता वो घोटाला, परम शुद्ध वो शाकाहारी, प्राणी मात्र के करुणाधारी, गो माता है उसकी माता और बैल है उसका भ्राता। किसान के संतान पेड़ है, किसान के सब नियम मेड़ है, अरे खेती उसकी धर्म की शाला, कभी न लगता वहां पे ताला। खेती उसकी धर्म की शाला, कभी न लगता वहां पे ताला। किंतु आज के ये व्यापारी सता रहे हैं किसान को भारी, अरे उन्हीं का खाकर उन्हीं को मारे कैसे निर्णय ये हत्यारे। यही बात मैं सदा सोचता सुन। किंतु आज के ये व्यापारी सता रहे हैं किसान को भारी, उन्हीं का खाकर उन्हीं को मारे कैसे निर्णय ये हत्यारे। यही बात मैं सदा सोचता, आज आपसे यही पूछता, किसान खेती यदि ना करता सोचो दुनिया का क्या होता। किसान खेती यदि ना करता सोचो दुनिया का क्या होता। चाहे बूढ़े या हो बच्चे, चाहे बूढ़े या हो बच्चे, चाहे निर्धन या हो अच्छे, चाहे पुरुष या हो नारी, चाहे जनता या व्यापारी, चाहे संत महाराजा हो, चाहे पशु हो पक्षी, सारे बिना अन्न के ये बेचारे तड़प तड़प कर मर ही जाते, ब्रह्मा भी ना बचा ना पाते। सुनो और भी क्या क्या होता, किसान ही धान यदि ना देता कौन। सुनो और भी क्या क्या होता, किसान धान ही यदि ना देता, अरे कवि भी कविता ना गा पाते और आप भी यहाँ ना आते। सुनो और भी क्या क्या कहता, किसान धान ही यदि ना देता, कवि भी कविता ना गा पाते और आप भी यहाँ ना आते। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा किसान का पद क्यों है नीचा। उसको मैंने यही बताया, सही बात ही उसे जताया, अरे जो होता है सबसे नीचा वही उठाता सबको ऊंचा, जो होता है सबसे नीचा वही उठाता सबको नीचा। भले पेड़ सब ऊपर बढ़ते किंतु जड़े नीचे ही रहते, भले पेड़ सब ऊपर बढ़ते किंतु जड़े नीचे ही रहते। अगर पेड़ की जड़े ना होते, पेड़ के बिना खड़े ना होते, इस देश का किसान जड़ है, इस देश का किसान गढ़ है, हर प्राणी के प्राण किसान है, हर संतों के तप किसान है, हर वीरों की शक्ति किसान है, हर भक्तों की भक्ति किसान है, हर कवियों का काव्य किसान है, और सच पूछो तो मैं बतलाता इस धरती की जान किसान है, धरती पर भगवान किसान है। जय जिनेन्द्र, मैं अभय जैन, आप देख रहे हैं जिनागम। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री आराध्य सागर जी महाराज उज्जैन में 496 दिन की सबसे दुर्लभ बृहद सिंह व्रत साधना करेंगे। मुनि श्री की यह साधना 18 अप्रैल से प्रारंभ होगी। मुनि श्री आराध्य सागर जी महाराज के साथ मुनि श्री साध्य सागर जी महाराज भी रहेंगे, जो कि इस दौरान होने वाले धार्मिक आयोजनों में श्रावकों का मार्गदर्शन करेंगे। साधना पूर्ण होने तक मुनि द्वय 2 साल तक उज्जैन नगरी में ही रहेंगे। जैन धर्म की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन।
धर्म श्री महान भवो धर्म तीर्थ क्षेत्र पर संपूर्ण विश्व के मंगल के लिए, विश्व की शांति के लिए, अपमृत्यु के निवारण के लिए प्रातःकाल महामृत्युंजय विधान संपन्न हुआ है और अभी आहार के सामायिक के पश्चात यहाँ पर 64 वृद्धि और गणधर महामंडल विधान संपन्न हुआ है। तो जो महानुभाव अपनी ओर से तन मन धन इसमें लगा रहे हैं, इस आशीर्वाद के पात्र हैं। आप सब भी इस विधान को देखें और ये रिद्धि सिद्धि का विधान किया जा रहा है क्योंकि सर्वौषधि रिद्धि, औषधि रिद्धि, प्रमोषधि रिद्धियाँ, इनकी गणधरों का आह्वान किया जा रहा है कि हे प्रभु अपनी शक्ति आप दिखाएं और संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण महाराष्ट्र में और संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड के अंदर ये कोरोना की महामारी दूर हो, सभी स्वस्थ हों, देश प्रगति के पथ पर चले, मानवता की विजय हो और हिंसा अत्याचार का विनाश हो, पापाचार विनष्ट हो और जीवन में सुख शांति समृद्धि आवे, इस हेतु गणतंत्र विधान किया जा रहा है। आप सबको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। आपके घर में ये गणतंत्र विधान बड़ा या छोटा होगा, साथ में आपके पास गणतंत्र वाले यंत्र है, उस यंत्र के समक्ष आप बैठ जाइए, नीचे धूप रख लीजिए, दीप रख लीजिए और धूप लेकर के उसमें धूप खेते, अग्निपात में धूप खेते हुए दीप लगा करके अथवा अगरबत्ती लगा करके आप निरंतर गणतंत्र वाले मंत्र का जाप करते रहें। कम से कम 9 बार, 27 बार, 108 बार आप मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीम अरम अस्यावसा झम झण नमः, ओम ह्रीम अरम अस्यावसा झम झण नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। साथ में आप ये गणतंत्र वलय का विधान है, 64 रिद्धियों का विधान है, आप रिद्धियों का विधान करते जाएं, उनका अर्घ चढ़ाते जाएं तो ये रिद्धियों की एनर्जी आपके यहाँ पर आएगी और आपके घर में समृद्धि होगी, घर से नेगेटिविटी समाप्त होगी और सभी कोरोना वायरस के प्रकोप से मुक्त होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। इसलिए आप अवश्य में अपने लिए और विश्व कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए आप ये विधान करके पुण्य संचय करें। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, श्री गणतंत्र वलय मंडल विधान की जय, सर्व मंडल प्रवेश भगवान की जय। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन, आप देख रहे हैं जिनागम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पूरे विश्व के साथ साथ भारत भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इस जंग में संपूर्ण जैन समाज का सहयोग जरूरतमंद एवं सरकार को मिल रहा है। इसी क्रम में श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा तिजारा की प्रबंध कार्यकारिणी समिति द्वारा 5 लाख रुपए दान देने का निर्णय लिया गया है। कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष पवन जैन ने बताया कि इस समय हम सबको मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ना होगा, इसीलिए समिति द्वारा 2.5 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में देने का समिति द्वारा निर्णय लिया गया है। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन। सादर जय जिनेंद्र बंधु, आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है जब मैं अपनी बेटी का परिणय आज किया। यह परिणय जैन विधान से मुझे करना था, मैंने किया। मैंने यह 17 वर्ष पूर्व संकल्प लिया था कि मेरी बेटी का विवाह जैन परिणय से कर, जैन विधान परिणय से करूँगा। आज बड़े उल्लास के साथ इस परिणय की तैयारी की थी, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते भारत में लॉकडाउन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का पालन हमने करना था, हमारा धर्म है, हमने उसका पालन किया है। चूँकि आज हमने अपने परिवार वर वधु पक्ष के 8 लोगों के बीच में इस परिणय को कर एक ऐसा उत्सव को हमने परिवार में सीमित किया है। चूँकि बेटी का जो लग्न था वो बहुत उत्साहित होकर करना था, लेकिन आज सीमित दायरे में किया है। हम सब इस परिणय में हमारे परिवार के जिन लोगों ने शुभाशीष दिया, जो लोग दूर से बैठकर इस को आशीर्वाद दे रहे थे, उन सब के प्रति मेरी कृतज्ञता, अपने समाजजनों के प्रति, अपने इष्टजनों के प्रति, परिवारजनों के प्रति, सब ने आज संयम बरतते हुए दूर दराज से आज अदृश्य होकर भी हमें आशीर्वाद दिया, हमारी बेटी को शुभाशीष दिया, ये मंगल परिणय संपन्न हुआ, सबका धन्यवाद।
इसके अतिरिक्त जो अब नई यहाँ पर इन्हीं पर्याप्त यहाँ पर 20 टॉयलेट बाथरूम हैं, महिलाओं के लिए अलग हैं, पुरुषों के लिए अलग हैं, और खाने पीने की यहाँ व्यवस्था जो है वो अलग से की गई, जो पेशेंट है उनके लिए बिल्कुल अलग से रहेगा, और जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है जो 50 कमरे किए गए उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्णा कॉलेज है। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन, आप देख रहे हैं जनागम। सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जन्मभूमि पर स्थापित जैन समाज द्वारा बनाया हुआ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आरोग्य धाम नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है, जहां एक ओर यह अस्पताल नित्य सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपनी सेवाएं दे रहा है, वहीं कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद सोशल डिस्टेंसिंग को स्थापित करते हुए पूरी सावधानियां बरती जा रही हैं, और कोरोना वायरस के प्रकोप से ग्रामीण अंचल में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आरोग्य धाम मैनेजमेंट की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग स्थापित करते हुए ज़रूरतमंदों को खाने के पैकेट, आटा, दाल, चावल, तेल इत्यादि सामग्री वितरित की गई। जैन धर्म की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन। जय जिनेंद्र, मैं अभय जैन, आप देख रहे हैं जिनागम। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म जयंती है। भगवान श्री राम, जिनका मुनि दीक्षा के पश्चात पद्म नाम हुआ, इसलिए जैन दर्शन में भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर परम पूज्य रविनेशाचार्य कृत पद्म पुराण नामक अति प्राचीन महान ग्रंथ लिखा गया है।
भगवान श्री राम सिद्ध क्षेत्र श्री मांगीतुंगी से मोक्ष सिधारे हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म जयंती है, तो इसी तिथि को राष्ट्र विभूति लोहारिया नगरी के लाल मर्यादा शिष्योत्तम आचार्य श्री भरत सागर जी गुरुराज की भी जन्म जयंती है। ऐसे दोनों महान आत्मनों को कोटिश कोटिश नमन। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोली घुमा रहा मैं। आ जाओ। सभी लोग प्रभु महावीर भगवान को श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हुए अहिंसा परमो धर्म की भावना से प्रातःकाल लिप जलकर सुप्रभात स्त्रोत का पाठ करें और नमोकार मंत्र का जाप करें और ये भावना भाएं कि सारे विश्व में शांति हो, सभी को
खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो और ग्रह के पवित्र व थोड़े ऊंचे स्थान पर एक मंगल कलश की स्थापना करें और इसी के निकट शुद्ध द्रव्य को रखते हुए भगवान महावीर की पूजन रचावें, साथ ही भगवान महावीर की प्रतिमा को याद करें। इसके बाद देव सात गुरु की पूजन या नवदेव का पूजा रचावें, जिस कारण ग्रह भी पावन पुनीत होगा और भगवान महावीर प्रभु की जन्मस्थली कुंडलपुर को याद करते हुए मोक्ष स्थली पावापुरी को याद करते हुए महावीर अष्टक का पाठ करें। हमारे दीक्षा गुरु जो कि आचार्य संत सुमणि विद्यासागर जी महाराज हैं, जिन्होंने ऐसे पावन पुनीत पर्व महावीर जयंती को हमें उन्हें दीक्षा प्रदान की थी, उनको भी बड़ी श्रद्धा भक्ति से याद करें और अपने गृह द्वार पर रंगोली वगैरह डाल करके एक मंगल क्रिया कर सकते हैं और ऐसे चौक घूम के अपनी भावनाओं को सिद्ध करते हुए अपने गृह के द्वार पर या छत या छज्जी पर स्वस्तिक से सहित पंचरंगी ध्वजा या केसरिया ध्वजा या पीली ध्वजा स्थापित करें। अगर ऐसा ना हो सके तो एक अच्छे कागज के ऊपर ध्वजा का चित्र बना करके उसे लगावें। ऐसे पवित्र दिन और विशेष अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए घंटा घंटी आदि के साथ मंगल ध्वनि से भगवान महावीर की आरती स्तुति भजन गावें और जय जयकार करें। इस प्रकार भगवान महावीर के अहिंसा परमो धर्म जी और जीने दो विभिन्न लैट का सिद्धांत और परस्परों पकड़ो जीवा नाम का सिद्धांत, उनके अहिंसा सत्य आचार्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन सूत्रों को जगत में संदेश के रूप में देकर के और मंगल भावना को गाते हुए और ऐसी मंगल भावनाओं में ऐसे महामारी के निराकरण और उससे राहत पाने की भावना के साथ इस भगवान महावीर जयंती जो पर्व है इसको बहुत मंगल भावना के साथ मना करके अपने जीवन को धन्य करें। ऐसा हमारा मंगल आशीर्वाद है।